बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शवारमे की रेसिपी। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक ब्रेस्ट का पीस ले लिया था, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया है पीसा हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सीख कबाब मसाला ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे देगी मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे एक चुटकी मैंने यहाँ पे ली है हल्दी, और एक चुटकी मैंने यहाँ पे माइनर से ली है अजवाइन। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है कुटी हुई, यहाँ हमने शवारमा ब्रेड ले लिया है, सोया सास, चिली सास और सिरका। चिकन के साथ हम ये डालेंगे, दही डालेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक हमने बॉल ले लिया, उसके अंदर हमने चिकन डाल दिया, साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए, अब हम इसमें दही डालेंगे 3 टेबल स्पून, अब हम इसमें डालेंगे सिरका 2 टेबल स्पून, हमने इसमें सिरका डाल दिया, अब सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब 2 लेमन ले लेंगे, वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। चिकन हमने मैरिनेट कर दिए, इसको हम साइड पे रखेंगे, आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करके इसको रख देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सॉरी, ये मैं बताना भूल गई थी, लहसुन और अदरक और ये जो मिर्ची हमने कूटी हुई थी इसको हम डाल देंगे। देखिए जी, ये हमने डाल दिया, अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए जी, चिकन हमने मैरिनेट कर दिया, इसको हम ढक के एक साइड पर रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने बना ली थी शवारमा सॉस, ये मायो बनाई थी मैंने, इसकी रेसिपी, इन दोनों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको दूंगी, ये मैंने पहले से बना के रख ली थी। अब हम चिकन देख लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। देखिए जी, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए जी, अब हम इसको एक फ्राई पैन में डाल के फ्राई कर लेंगे। ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ऑयल हमने पहले भी इसमें डाला था। ये देखिए जी, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन हमने प्लेट में डाली, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हमने। चलिए जी, अब हम शवारमा ब्रेड जो है वो गर्म करेंगे। अब हम तवा ले लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। साथ ही इस पे हम शवारमा ब्रेड रख देंगे। इसको हम ब्राउन करेंगे। देखिए जी, ब्रेड हमारी गर्म हो चुकी है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड गर्म कर लेंगे। ये देखिए जी, सारी शवारमा ब्रेड हमने गर्म कर ली है, अब हम शवारमा बनाना शुरू करेंगे।
अब इस तरह का हम एक बटर पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर एक शवरमा ब्रेड रख देंगे। उसके ऊपर हम रेड वाली सॉस लगा देंगे। ये हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, ये बहुत ज्यादा जो है ना चिली वाली होती है। साथ ही हम इसमें चिकन रख देंगे थोड़ा सा। ये मैंने बनाई थी, इसके अंदर मैंने थ्री टेबलस्पून मैंने सिरका डाला था और हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला था और इसको मैंने इसमें डिप कर दिया था सिरके में, खीरे और प्याज को। अब हम इसको डालेंगे। ये ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी मर्जी है, प्याज आप डालें या ना डालें। साथ ही हम इसके ऊपर ऐसे खीरा रख देंगे, साथ ही थोड़ी सी हम इस पे बंद गोभी डाल देंगे। साथ ही हम इस पे मायो डाल देंगे। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। नीचे से हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे शॉर्मे बना लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी शॉर्मा बना लेंगे। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाता है, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, बहुत इजी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करिएगा। हमारे घर में इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता, इसलिए मैं ये बहुत ज़्यादा कम लगा रही हूँ। साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम प्याज रख देंगे। साथ ही हम इस पे खीरे रख देंगे। साथ ही इसके बंद गोभी। साथ इसके ऊपर हम मायो डाल देंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ हमने फ्राइज़ बनाए हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।